मुझे फेरीज बहुत पसंद है एंड आज हम उससे ही रिलेटेड क्राफ्ट बनाने वाले हैं। वैसे आज हम फेरी हाउस बनाने वाले हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुपर क्ले का। हाउस का बेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लास्टिक बॉटल को। सबसे पहले इसका कवर निकालते हैं एंड बेस को कट करते हैं। सो मैं इसे प्रिपेयर कर रही हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आइडियाज मिलते रहेंगे एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पिंक वाले सुपर क्ले से हम हाउस की वॉल बनाएंगे। विंडो के लिए मैं थोड़ा सा पोर्शन कट कर रही हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट गया क्योंकि ये क्राफ्ट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। नाउ बनाते हैं छोटे छोटे फ्लावर के पेटल। इसको हम हाउस के अपर एरिया में स्टिक करेंगे। वैसे कैप वाला पार्ट मैंने कट कर लिया था। नाउ बना लेते हैं लीफ एंड स्टेम। इसके लिए मैं ग्रीन कलर के क्ले का यूज कर रही हूँ। इसे हम फ्लावर के ऊपर में स्टिक कर देंगे।
छोटे छोटे ग्रास बना के मैं इस पे स्टिक कर रही हूँ। विंडो के आउटलाइंस मैं ऑरेंज कलर की हेल्प से बना रही हूँ।
क्ले से ही मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए, इन्हें हम हमारे फेरी हाउस पे स्टिक करेंगे। लास्टली हमारे फेरी हाउस में लाइट्स लगा देते हैं। एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फेरी हाउस इज रेडी। तो आज के बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके घर में वेस्ट प्लास्टिक बॉटल पड़ी है तो इसे जरूर ट्राई करना। साथ ही आगे भी ऐसे क्रिएटिव आर्ट आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस रिलेटेड क्राफ्ट। बहुत सोचने के बाद मुझे मिला ये ग्लास जार एंड मैंने डिसाइड किया कि इससे आज कुछ क्रिएटिव बनाया जाए। मैंने एक बाउल में वाटर लिया एंड इसमें ऐड करेंगे फेविकॉल, देन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो मैं पेस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बैकग्राउंड कवर करने के बाद इस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे ग्लास जार पे। स्नो वाला इफेक्ट देने के लिए मैं इस पे रंगोली डाल रही हूँ। इसके अलावा आप वाइट ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक्स्ट्रा पाउडर निकाल के इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। यूजिंग रेड सुपर क्ले में छोटे छोटे चेरी बना रही हूँ।
मैंने ड्राई लीव्स जमा किए थे, इन्हें हम ग्लास जार पे स्टिक कर देंगे, देन चेरी को भी उसी पे अटैच कर देंगे। इसे टाई करने के लिए मैं ग्रीन कलर के वूलन का यूज़ करी हूँ। लास्टली इसमें इंसर्ट कर देते हैं फेरी लाइट्स को, आप कैंडल को भी इंसर्ट कर सकते हो। एंड हमारी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट स्नो जार बनकर रेडी हो चुकी है। तो आज का ये क्रिसमस डेकोरेशन आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो इसे ट्राई भी करना, साथ ही आगे भी ऐसे क्रिएटिव आर्ट आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ट्रेंडिंग बटरफ्लाई। इसके लिए हमें चाहिए एक सेफ्टी पिन, इसके राउंड वाले एज को हम कर्व कर लेंगे। मैं इसे कर्व कर रही हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ हमें चाहिए एक वायर, इसको मिडल में से कर्व कर लेंगे। पिन के एक एंड में रबर बैंड को टाई कर लेना है। नाउ बना लेते हैं हमारी बटरफ्लाई। इसके लिए मैंने यूज़ किया है लाइट ब्लू कलर के पेपर को, इसको मैंने बटरफ्लाई के शेप में कट कर लिया है। देन हम इसमें डिटेलिंग बनाएंगे, इसके लिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ।
तो हमारी बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है, अब इसे 4 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। रबर बैंड को मैंने ऊपर के वायर में इंसर्ट कर दिया था। नाउ इन चारों पार्ट्स को हम हमारे पिन पे स्टिक कर लेंगे। एंड हमारी ट्रेंडिंग बटरफ्लाई बनकर रेडी हो चुके। इसे रोल करना है, देन ये मूव होगी। तो आज का क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही आगे भी ऐसे क्रिएटिव आर्ट आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम सिंपल बलून एंड थ्रेड की हेल्प से लैम्प बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बलून। वाटर में फेविकॉल ऐड करके मैं पेस्ट बना रही हूँ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थ्रेड में पेस्ट अप्लाई करके हमें बलून में इसे लपेटे जाने। मैं सिंपल व्हाइट थ्रेड का यूज करी हूँ। स्लोली राउंड मोशन में हमें इसमें लेयर्स बनाते जाने। बचा हुआ पेस्ट ब्रश के हेल्प से इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद बलून में छोटा सा कट लगाएंगे एंड इसे रिमूव कर लेंगे।
इसका शेप इरेगुलर हो गया है, तो इसे फिर से राउंड बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अनादर बलून का। दूसरे बलून को इसमें इंसर्ट करके फुलाना है, जिससे ये राउंड हो जाएगा। नाउ स्लोली स्लोली इसमें से एयर को मैं निकालते जाना है। एंड ये बन गया हमारा लैम्प। इसमें इंसर्ट कर देते हैं फेरी लाइट्स को। तो आज का ये सिंपल बट क्रिएटिव क्राफ्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो इसे ट्राई भी करना, साथ ही आगे भी ऐसे क्रिएटिव आर्ट आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कल मुझे ये वेस्ट ग्लास बॉटल मिली, इसे मैंने क्लीन किया एंड आज हम इससे क्रिएटिव बॉटल आर्ट बनाएंगे। एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वुलन थ्रेड का। सबसे पहले हमें वुलन थ्रेड को इस पर टाई कर देना है, देन थ्रेड को बॉटल पे राउंड एंड राउंड लपेटते जाना है। मैं इसे प्रिपेयर कर रही हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे इस बॉटल आर्ट के लिए आप वुलन की जगह पतले थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। ये अच्छे से टाई हो जाने के बाद मैं इसे कलर कर रही हूँ व्हाइट एक्रेलिक कलर से। एंड इसके लिए मैं स्पंज रबर का यूज़ कर रही हूँ। Thank you.
नाउ इस बॉटल को हमें अच्छे से ड्राई होने देना है, देन हम थ्रेड को रिमूव कर लेंगे। इसके अपर साइड में मैं ब्लैक सैटिन रिबन को स्टिक कर रही हूँ, इसके लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। यूजिंग सेम ब्लैक सैटिन रिबन मैं बना रही हूँ छोटा सा बो, इसे हम बॉटल के अपर एरिया में स्टिक कर देंगे। बॉटम एरिया में भी ब्लैक सैटिन रिबन को स्टिक कर देते हैं। लास्टली इंसर्ट कर देते हैं फेरी लाइट्स को। एंड हमारी ब्यूटीफुल ग्लास बॉटल बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी सिंपल मेथड से वेस्ट ग्लास बॉटल को यूज़ करके न्यू बना सकते हो। एंड इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मेरे पास काफ़ी सारी वेस्ट बैंगल्स पड़ी थी, आज उसे रीयूज़ करते हैं एंड बनाते हैं ट्रेडिशनल होम डेकोर जो कि है एक डोर हैंगिंग। तो सबसे पहले मैंने लिया मोल्ड इट एंड इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। नाउ एक लीफ यूज़ करके मैं इसको शेप दे रही हूँ। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आइडियाज मिलते रहेंगे एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद हम लीफ को रिमूव कर लेंगे एंड इसमें छोटा सा होल बना लेंगे हैंग करने के लिए। नाउ मैं यूज कर रही हूँ एक वेस्ट कार्डबोर्ड, इसकी हम लंबी स्ट्रिप कट कर लेंगे। मुझे एक डोर हैंगिंग बड़ा बनाना था इसलिए मैंने दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया। नाउ इसे कवर कर लेते हैं फैब्रिक के हेल्प से। मैं ऑरेंज कलर के फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। इसके बॉर्डर पे स्टिक कर देते हैं गोटा लेस को। इसे और एनहांस करने के लिए मैं लेस को स्टिक कर रही हूँ। मैंने मल्टी कलर लेस को चूज़ किया है क्योंकि हमारा डोर हैंगिंग भी मल्टी कलर ही रहेगा।
एंड नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ वेस्ट बैंगल्स का। इस पे हम वूलन थ्रेड को लपेट देंगे। हमें ग्लू की हेल्प से पूरे बैंगल को वूलन थ्रेड से कवर कर लेना है। फिर से हमें गोटा लेस को इस पर स्टिक कर देना है। हमें क्रॉस बनाते जाना है। बेल एंड पर्ल्स के हेल्प से हमें छोटा सा लटकन बनाना है। इसे हम अटैच करेंगे हमारे बैंगल पे। अब बारी है हमारे ड्राई हुए लीव्स को कलर करने की। इसके लिए मैं नियॉन ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसे एनहांस करने के लिए स्टिक कर देते हैं राउंड मिरर्स को।
नाउ लीफ को डेकोरेट करेंगे बॉल चेन की हेल्प से। हमारे बनाए हुए स्ट्रिप में इस हैंगिंग को अटैच कर लेते हैं। बैंगल्स वाले हैंगिंग को मिडल में अटैच करेंगे।
एंड हमारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट डोर हैंगिंग बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करना, साथ ही आगे भी ऐसे क्रिएटिव आर्ट आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आजकल पेपर बैग का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मुझे भी मेरे भाई को गिफ्ट करना था एंड मेरे पास ये पेपर का पीस पड़ा था, तो चलो आज इससे पेपर बैग बनाते हैं। पेपर बैग बनाना बहुत ही आसान है, आपको बस एक प्रिंटेड पेपर चाहिए। इसका शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए। पेपर के दोनों एंड को हमें मिडल पॉइंट तक फोल्ड करना है। इन्हें एक साथ स्टिक कर रही हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पेपर के बॉटम में से हमें 2 इंच पे इसे फोल्ड कर देना है। इन दोनों फोल्ड्स को हम एक साथ स्टिक कर देंगे एंड इसे लॉक कर देंगे। दोनों साइड्स को भी फोल्ड कर देंगे। विद हेल्प ऑफ सैटिन रिबन इसके हैंडल्स बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लाइट पिंक कलर के सैटिन रिबन को चूज किया है। एंड हमारी गिफ्ट बैग बनकर रेडी हो चुकी है, मैंने एक और बनाई है। तो आज का ये क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो इसे ट्राई भी करना, साथ ही आगे भी ऐसे क्रिएटिव आर्ट आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।